Welcome in class second, and today your first day in class science. You know very well plants. आप सब जानते हैं plants क्या हैं, और हम previous class में first class में ये सब पढ़ चुके हैं. And today we start chapter 1 types of plants. Plants के types, उनके प्रकार. We see many plants around us. हम हमारे चारों तरफ बहुत से पेड़ पौधे देखते हैं. Plants are generally green in color. जो plants हैं, पौधे, वो generally ज़्यादातर green color के, हरे रंग के हैं. They are of different shapes and sizes. वे अलग अलग shapes के, आकृति के, और अलग अलग प्रकार के होते हैं. सबके design अलग होते हैं. Different plants grow at different places. अब जो different type के जो plants हैं, अलग अलग तरीके के पौधे हैं, वो अलग अलग जगहों पे होते हैं. Types of plants. Plants के types, उनके प्रकार. On the basis of size and type of stem. Plants are of different types. There are, अब size, उनकी आकृति, और उनके स्टेम, उनके तने के अनुसार प्लांट्स को अलग अलग टाइप्स में दिया गया है, अलग अलग प्रकार में डाला गया है. जैसे ट्रीज, ट्रीज बिग होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, बड़े होते हैं. शर्ब्स जो हैं, वो पेड़ों से बहुत छोटे होते हैं, और उनकी जो स्टेम है वो मजबूत होती है. हर्ब्स हैं, वो भी छोटे होते हैं, पर उनके जो स्टेम है वो ग्रीन कलर की होती है और सॉफ्ट होती है. क्लाइंबर्स, वो बिना सहारे के नहीं बढ़ सकते हैं, उन्हें सहारे की ज़रूरत होती है. क्रीपर्स, क्रीपर्स जो होते हैं वो रैंक के ज़मीन में ही बढ़ते हैं, क्योंकि उनके जो फ्रूट्स हैं वो बहुत वेट वाले होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा वेट होता है, वज़न होता है, वो ज़मीन पे ही रैंक के बढ़ते हैं. ट्रीज, पेड़. Big and strong plants are called trees. बड़े और मजबूत जो पौधे होते हैं वो पेड़ कहलाते हैं. A tree has a thick, hard and woody stem called trunk. एक जो पेड़ है उसके thick, मोटी, hard, कठोर और लकड़ी की stem होती है उसका जो, और वो क्या कहलाता है, तना कहलाता है. जो उसकी stem होती है वो तना कहलाता है. The trunk divided into many branches. The trunk divided into many branches. जो trunk है, तना है, वो बहुत सारी branches में, टहनियों में divide होता है, उसमें बहुत सारी टहनियाँ होती हैं. Trees live for many years. जो tree है, पेड़ होते हैं, वो बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं. They give us shade and many useful things. वे हमें छाया देते हैं और बहुत सारी यूज़फुल, उपयोगी चीज़ें देते हैं जो हमारे काम के आते हैं. बनियान, गुलमोहर, पीपल एंड कोकोनट आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रीज. पेड़ के जो एग्जांपल है उसके उदाहरण हैं, जैसे बनियान ट्री है, बरगद का पेड़ है, गुलमोहर है, पीपल का पेड़ है, और कोकोनट ट्री है, नारियल का पेड़ है. ये सब ट्रीज़ कहलाते हैं, बड़े हैं और मजबूत हैं. Shrubs, small plants with woody stems are called shrubs. जो छोटे पौधे होते हैं और उनकी जो स्टेम है, तना है, वो लकड़ी का होता है, वो shrubs कहलाते हैं. Shrubs are smaller than trees. और जो shrubs हैं वो पेड़ों से बहुत छोटे होते हैं. They have thin and hard stems. उसकी जो स्टेम है, तना है, वो कठोर होता है, मजबूत होता है और पतला होता है. दे हैव मैनी ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड. उसकी जो ब्रांचेस हैं, टहनियाँ हैं, वो उस ग्राउंड में से, ज़मीन में से ही बहुत सारी निकल आती हैं. दे लिव फॉर अ फ्यू ईयर्स. और वो कुछ सालों तक ही जिंदा रह पाते हैं. रोज, हिबिकस, हीना एंड कॉटन प्लांट्स आर एग्जांपल्स ऑफ शर्ब्स. शर्ब्स के जो
पेड़ों उदाहरण है, जैसे रोज़ प्लांट है, गुलाब का पौधा, हिबिकस है, हीना का है, कॉटन का है, ये सब शर्ब्स के ही उदाहरण है। ये छोटे छोटे झाड़ीनुमा पौधे होते हैं। हर्ब्स, वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स, बहुत छोटे पौधे हर्ब्स कहलाते हैं। हर्ब्स हैव थिन ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम, जो हर्ब्स हैं उनके तना बहुत पतला हरे रंग का और कोमल होता है, सॉफ्ट होता है, वो मोड़ने से टूट भी जाता है। दे लिव ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, वे बहुत ही कुछ महीने के लिए जिंदा रह पाते हैं। ग्रासेस, कोरिएंडर, स्पिनच एंड मिंट आर एग्जांपल्स ऑफ हर्ब्स। हर्ब्स के जो एग्जांपल्स हैं, जैसे ग्रास है, घास है, तो घास कुछ समय के लिए ही रह पाती है और फिर वो मुरझा के झुक के ख़त्म हो जाती है। कोरिएंडर है, धनिया है, स्पिनच पालक है, मिंट पुदीना, ये सब हर्ब्स के उदाहरण हैं। टुडे ओनली दिस, टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। ओके।